भाई आज हो गया 27वां रोज़ा और हम जा रहे हैं कराकरम एक्सप्रेस लेके रोड़ी से कराची के लिए। और नवाबशाह स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन का अनड्यू स्टॉप हुआ है क्योंकि हमारे आगे मिल्लत एक्सप्रेस चल रही है, वो अभी पहुंची नहीं है सरारी रेलवे स्टेशन पर, इस वजह से हमारी ट्रेन यहाँ रुक गई है। और अच्छा ही हो गया, मैं भी थोड़ा यहाँ पर फ्रेश हो गया क्योंकि रोड़ी से हम चले थे, रोज़ा वगैरह जो रखा है उसके बाद हमें फ्रेश होने का मौका नहीं मिला था क्योंकि रोज़े के बंद होने से थोड़ी देर पहले ही ट्रेन हमारी वहाँ से चली थी। भाई सिग्नल डाउन हो गए हमारे ट्रेन के, आके रुकी है हमारी ट्रेन, हमारे आगे मिल्लत एक्सप्रेस चल रही है तो वो अभी शहजादपुर उसका स्टॉप है, इस वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। अगर स्टॉप नहीं होता तो वो शहजादपुर से आगे निकल जाती और हम चलते रहते रोलिंग में। और रुकने की वजह यहाँ पे ये भी है क्योंकि ये नवाबशाह से लेके शहजादपुर तक, नवाबशाह से हमारी जब ट्रेन चलती है 3-4 किलोमीटर चलने के बाद फिर ये 30 किलोमीटर का काशन शुरू हो जाता है जो शहजादपुर के आउटर सिंगल तक चलता है, तो इस वजह से ट्रेन यहाँ पे स्लो भी चलती है। चाहे कोई भी ट्रेन हो, चाहे ग्रीन लाइन हो या कोई गुड्स ट्रेन हो, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि नवाबशाह से चलती है जबकि ट्रेन तो शहजादपुर तक ये ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर चल रही होती है, तो इसमें मुसाफिर को शायद वो होते हुए ड्राइवर ट्रेन के ड्राइवर जो है वो ट्रेन बहुत स्लो चला रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि यहाँ पर हमें कॉशन मिला हुआ है कि हमने यहाँ से 30 किलोमीटर की ज़्यादा से स्पीड से यहाँ से नहीं चलना क्योंकि ट्रैक थोड़ा वीक है। अभी ट्रैक पे काम चल रहा है और काफ़ी इम्प्रूव हो गया, अभी काफ़ी खैरपुर साइड पे काफ़ी इम्प्रूव हो गया ट्रैक, यहाँ पे भी काम शुरू हो गया इंशाल्लाह, अभी जल्द से जल्द और स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। तो यही वजह है कि मैं कराची साइड जाना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ट्रैक पर काशन बहुत है। अभी तो खैर काफ़ी काम चल रहा ट्रैक के ऊपर, अंदर ही इंशाल्लाह इस पर अप साइड की जो ट्रैक है उसमें तो काफ़ी कॉशन कम हो गए, अगर डाउन साइड पे अभी भी कॉशन है तो हमारी ट्रेन एक नॉन स्टॉप ट्रेन भी जो है ना वो 9 घंटे ले लेती है रोड़ी से कराची तक पहुंचने में। अब जैसे अब हमारी ट्रेन इसका स्टॉप था उसे चल के इसका स्टॉप था सीधा हैदराबाद, अभी तो खैर ये मिल्लत एक्सप्रेस की वजह से 2 जगह इस ट्रेन को रुकना पड़ा है और मुझे लगता है कि हम मिल्लत एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे कहीं ना कहीं। एक्स्ट्रा कोचें जा रही हैं ईद स्पेशल के लिए 4, वरना तो पैसेंजर जो है ना वो बिल्कुल करीब ही होते और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास भी आ जाते पूछने के लिए कि काफ़ी देर हो गई ट्रेन क्यों रुकी हुई है, अभी भी काफ़ी दूर हैं पैसेंजर। मेरे एक सब्सक्राइबर है मुझसे पूछ रहे थे कि गुड्स ट्रेन में मज़ा आता है या पैसेंजर ट्रेन में मज़ा आता है। असल में ऐसा है कि पैसेंजर ट्रेन पे तो जब ट्रेन का हमने चार्ज ले लिया तो फिर जब तक वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचती तब तक बिल्कुल हमें टाइम ही नहीं होता कि हम किसी से बात भी करें या कुछ थोड़ा फ्री होकर बैठ जाएं। गुड्स ट्रेन में ऐसा होता है कि हमें जब गाड़ी वो गुड्स ट्रेन कोई लूप लेन में, जैसे हमारे सामने लूप लेन है, अगर वो लूप लेन में कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है तो वो 2 से 2.5 घंटे अक्सर वहाँ रुक जाती है, तो उधर पर हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है इंजन वगैरह चेक करने के बाद तमाम काम से फारिग होकर, फिर हम अपना यह है कि थोड़ा बैठ भी जाते हैं आराम से सीट पर रिलैक्स होके और किसी से बात करनी होती तो वो भी कर लेते हैं। मगर मेल एक्सप्रेस ट्रेन पे इसमें कोई टाइम नहीं होता मिलने का, अभी टाइम मिला है, जैसे ये ट्रेन अभी हमारी जैसे रुकी है यहाँ पे, अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो गए इसको रुके हुए, तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं, तो यहाँ पर अब जाके थोड़ा टाइम मिला कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ जब चलते रहेंगे तो फिर तो टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो 10 मिनट खड़े होने के बाद हमारे ट्रेन के सिग्नल डाउन हुए हैं,
हम मिल्लत एक्सप्रेस को कहीं रास्ते में ओवरटेक कर लेंगे, मगर अभी मिल्लत एक्सप्रेस अभी भी हमारे आगे ही चल रही है। मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ पे आ गया था, उससे पहले ड्राइवर साहब आए थे, अब सिग्नल भी डाउन हो गया हमारे ट्रेन के, रियल सीट वगैरह मुझे मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, मिलते हैं कराची में। इंजन छोड़ के अभी शेड से वापस स्टेशन पे आ गए हैं और हमने यहाँ से वापस जाना है स्पेयर 45 अप पे। तो आज देखते हैं हमें ट्रेन में जगह मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। हमारे रोड़ी के और भी ड्राइवर हैं हमारे साथ, हमें जगह मिली अभी हैदराबाद तक, फिर कराची से हैदराबाद तक हमारे पास जगह है, उसके बाद देखो कैसे हम जाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ कि हमें जाने के लिए सीट नहीं मिली, क्योंकि ईद का रश है, इस वजह से जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई ये वाली जगह मिली अभी हमें, ये वाली हम बैठे हुए थे वहाँ पे, जिनकी बर्थें थी वो पहुँच गए और हमें उठा दिया उन्होंने।
रोज़ा खुलने में अभी 20-25 मिनट रह गए और जगह का इशू चल रहा है सर। अभी भी मैं किसी और की सीट पर बैठ गया हूँ और सर मुझे कहा कि अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ से उधर। तो अभी फ़िलहाल जब इन दिनों जब रश शुरू हो जाएगा तो इससे अच्छा बंदा जाना वन साइड की ट्रेन से अच्छा है कि वो एक प्रॉपर लिख ड्यूटी करे वो ठीक है, क्योंकि अब जगह मिलना मुश्किल होगी। ठीक है, एक दो महीने तक क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा अब और हर ट्रेन खुली मिलेगी। चाय भाई चाय वाला बहुत ज़्यादा रश है। तो भाई रात को 11 बजे हम पहुँचे पाकिस्तान एक्सप्रेस पे वापस रोड़ी और मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी हमें जो ट्रेनें मिले तो वो लिंक की ऐसी गाड़ी मिल जाए ताकि जो ट्रेन हम लेके जाएं वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके आए, क्योंकि ट्रेनों में अभी जगह नहीं मिल रही। अभी भी हम जब आएँ तो हमें हैदराबाद के बाद जगह ऐसी ही मिली है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ ऐसे करके हम पहुँचे। और अभी जब हम रोड़ी पहुँचे तो हमने पूरी खबर सुनी है कि रहमान बाबा जो है वो कोई डंपर से टकरा गई है, तो ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जो है ना वो शदीद ज़ख्मी है, अल्लाह रहम करे। तो आज का सफ़र ऐसे ही रहा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।